इंपॉर्टेंसमेशन इन इंडिया ग्रेट प्रोस्पेक्ट दैट मीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया कैसे होगी ठीक है और उसके लिए हमने क्या क्या चीजें रखी है गवर्नमेंट ने क्या विजन रखा है मेनली उसके अलावा गवर्नमेंट क्या काम कर रही है इसके लिए अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट हैन वॉट गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर इट विच अथॉरिटीज डू वी हैव एंड वॉट इज द बेसिक थिंग दैट इज रिक्वायर्ड राइट सो एच सी एफ का टॉपिक स्टार्ट करते हैं मूविंग ऑन विद द फर्स्ट थिंग विच इज वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हेल्थ माइग्रेशन जॉब ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स एजुकेशन एंड हेल्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑफकोर्स दो फैक्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ है और एजुकेशन है उनके ऊपर हमें एक्सपेंडिचर करना उनका इम्प्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है ना वी नो दैट आर द फेडरल कंट्री विद यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट दैट मीन्स वी हैव अ यूनियन गवर्नमेंट जहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट और फिर हमारे पास में लोकल गवर्नमेंट भी है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है पंचायत है ठीक है तो हमारे पास में म्यूनसिपालीज है पंचायत है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जो लोकल गवर्नमेंट का पार्ट हो गए तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंशन द फंशन टू बी कैरीड आउट बाई ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं कि सारा जो फंक्शनिंग है ना वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी तीनों गवर्नमेंट्स को ऑल द थ्री टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज द यूनियन गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट हैव टू पार्टिसिपेट इक्वली कि कैसे हम ये अपना मिशन जो है विजन जो है वो अचीव कर सकें नाउ अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर्स ऑन बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ आर टू बी कैरीड आउट बाय साइमल्टेनियसली बाय ऑल द थ्री टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स एज अज अ रिजल्ट बहुत प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट इन द एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस मार्केट्स क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि हेल्थ और एजुकेशन पर जो एक्सपेंडिचर है वो भी तीनों टायर्स को मिलकर करना है जो गवर्नमेंट के थ्री टायर्स है उनको मिलकर ही एक्सपेंडिचर करना है ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी एक्सपेंडिचर ठीक है स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने बजट में से पैसा निकालना है लोकल गवर्नमेंट को भी निकालना है सबको अपने अपने बजट में से पैसे निकालने हैं और अलोकेट करने हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और यहाँ पे क्या बोला जाता है कि हमने पहले बात की थी एक वीडियो में कि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है ठीक है हमारा एजुकेशन ऑन हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो आपको क्या करती है आपको फैसिलिटी देती, देती है आपको बेनिफिट देती है बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स अगर आप एजुकेटेड हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है हेल्दी हो तो भी इंडिविजुअली भी आपके लिए बेनिफिशियल है प्लस नेशन के लिए भी बेनिफिशियल है है ना? और यहां पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे है ना हम प्राइवेट गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को रोकते नहीं है एग्जिस्ट करने से ठीक है यहाँ पे दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हैंड इन हैंड चलते हैं है ना अभी तक तो हम देख रहे थे ना प्राइवेट सेक्टर होता है पब्लिक सेक्टर होता है तो दोनों यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं हॉस्पिटल्स हैं तो प्राइवेट भी हैं पब्लिक भी है एजुकेशन फैसिलिटीज़ अगर स्कूल्स हैं तो प्राइवेट भी हैं पब्लिक भी है यूनिवर्सिटीज़ है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी, तो भी, भी है है ना तो ऐसी कोई भी चीज़ें होती है जहाँ पर रिलेटेड टू हेल्थ और एजुकेशन की बात आती है तो वहाँ पर बहुत And public institution, दोनों ही वहां पे एग्जिस्ट करते हैं बट आप सोचो कि किसका रोल ज्यादा होगा कौन ज्यादा मेहनत करेगा of course, नेशन के, के लिए पब्लिक सेक्टर ज्यादा मेहनत करेगा बिकॉज उसको अपना सोशल ऑब्जेक्टिव भी तो फुलफिल करना है ह्यूमन वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव जो हमारे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल करना है प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करता है बट वो अपने हिसाब से फीस देंगे अपने क्वालिटी का एजुकेशन देंगे सब अच्छा करेंगे ओके बट ऑफकोर्स उनकी फीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अच्छा इलाज होगा आपकी अच्छी देखभाल होगी आपकी इलनेस को क्योर करेंगे बट आप वो अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो गवर्नमेंट हैज़ टू ट्राई कि आप तक वो फैसिलिटी पहुँचे और अच्छे से पहुँचे आपके बजट में पहुँचे राइट right? तो इसीलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन दैट मींस गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूरी है इन दोनों ही सेक्टर्स में मूविंग ऑन अहेड विच इज नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों जरूरी है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ अज्यूम ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सच एक्सपेंडिचर प्रोवाइड्स पॉजिटिव रिजल्ट टू इंश्योर फेवरेबल बेनिफिट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजनस गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इन दोनों ही सेक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर आपको लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट देखनी है तो गवर्नमेंट को ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा है ना प्राइवेट सेक्टर तो इन्वेस्ट करेगा पर वो सब अपने बेनिफिट के लिए करेगा गवर्नमेंट क्या करती है ह्यूमन बीइंग के लिए हमारे वेल well बींग के लिए भी तो इन्वेस्ट करती है वो नहीं बोलती कि अभी पैसे वापस करो या मैंने तुम्हारा भला कि अब तुम ये भलाई वापस करो नहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बोलते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए वो अपना प्रॉफिट देखते हैं गवर्नमेंट बिना प्रॉफिट के भी चलाती है है ना वो क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव है कि आपको डेवलप करें कंट्री के लिए राइट right? उनका लॉन्ग टर्म विजन अलग होता है द एक्सपेंडिचर्स ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मेकअ सब्सटैंशियल लॉन्ग टर्म इंपैक्ट एंड दे के नॉट बी इजीली रिवर्स फॉर एग्जाम्पल इफ अ चाइल्ड इज एडमिटेड टू स्कूल और हेल्थ केयर सेंटर एंड रिक्वायर्स आर नॉट प्रोवाइडेड इन सच अ इंस्टीट्यूट देन अब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डैमज वुड है डिसीजन इज टेकन टू शिफ्ट द चाइल्ड टू अनदर इंस्टीट्यूशन मतलब क्या बोला जा रहा है कि अगर आप किसी बच्चे को कहीं पर एडमिट कराते हो इन अ गुड स्कूल से पर वहाँ पर उसकी डेवलपमेंट बराबर नहीं हो रही है उसको बराबर नॉलेज नहीं मिल रहा है या उसका डेवलपमेंट जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है कुछ डैमेज हो रहा है वहाँ पे तो आपको डिसीजन लेना पड़ता है कहाँ पे आप शिफ्ट करो राइट तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है लॉन्ग टर्म में जो है ना वो एजुकेशन और हेल्थ का जो क्वालिटी है वो इम्पैक्ट दिखेगा कि कितना अच्छा था अगर एजुकेशन अच्छी थी बेस अच्छा था तो ऑफकोर्स क्वालिटी अच्छी आएगी लॉन्ग टर्म में अगर आपकी हेल्थ को आपको न्यूट्रिशियस फूड मिला है मेडिकल फैसिलिटीज मिली है वैक्सीनेशन मिली है बचपन से तो ऑफकोर्स आपकी हेल्थ लॉन्ग टर्म में अच्छी होगी राइट right? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो वापस रिवर्स नहीं होता है एक बार अगर आपका बेस खराब हो गया ना तो फिर आगे का भी सब खराब ही हो सकता है ना आपका लॉन्ग टर्म में जो चीजें हैं वो अफेक्ट होगी ही होगी इसीलिए गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेयर करना बहुत जरूरी बिकॉज गवर्नमेंट क्या करती है लॉन्ग टर्म प्लान्स करती है ह्यूमन बींग्स के लिए डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स गवर्नमेंट ही बनाती है नेक्स्ट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ऑफ दीज सर्विसेज डू नॉट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड देयर कॉस्ट अब हर एक जन को नहीं पता है ना कि प्राइवेट स्कूल अच्छी है कि पब्लिक स्कूल अच्छी है किसका कॉस्ट कितना है किसमें क्या कहाँ जाए क्या करें है ना हम जब हॉस्पिटल ढूंढने निकलते हैं तो भी हम कन्फ्यूज़ होते हैं कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएँ या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँ वहाँ पर बहुत खर्चा है वहाँ पे कैसे होगा क्या कॉस्ट है अलग अलग हॉस्पिटल में कहाँ कहाँ पता लगाओगे सिमिलरली गोज विद द एजुकेशन फील्ड इफ़ यू गो टू डिफरेंट स्कूल यू विल सी डिफरेंट रेट्स राइट डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर तो आप क्या क्या पता लगाओगे तो कंज्यूमर के लिए नॉर्मल कंज्यूमर के लिए बहुत डिफिकल्ट है कि सर्विसेज की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो उनको पता हो कि क्वालिटी क्या है और प्लस उनका वहां पर क्या कॉस्ट लगेगा राइट तो ये सब पता लगना बहुत मुश्किल है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को होना पड़ेगा बीच में बिकॉज अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो क्या होगा प्राइवेट सेक्टर कुछ भी चार्ज कर सकता है लेकिन चार्ज इवन हायर है ना लेकिन चार्ज जितना उनका मन करे उतना प्रॉफिट कमाएंगे राइट दैट्स गवर्नमेंट इज नेसेसरी इट हैज टू बी देयर The providers of education and health services may acquire monopoly power and may get involved in exploitation, which I have told you that they may acquire monopoly. The government is not in sector, so the private sector loot right? They can charge higher and they can exploit people. So the role of government is important to ensure that the private providers of these services adhere to the standards stipulated by the government and. चार्ज द करेक्ट प्राइस है ना आपका एक्सप्लॉयटेशन ना हो इसीलिए गवर्नमेंट है इन सेक्टर्स में है ना गवर्नमेंट देखती है रेगुलेट करती है कि आप इतना ही चार्ज कर सकते हो आपको ऐसे ही स्कूल चलाने भले आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो अपने हिसाब से आप करो बुक्स अपने हिसाब से फॉलो करो लेकिन एन को लेके आओ अपने स्कूल में है ना अगर बोला जा रहा है कि फाइव 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 या सिक्स सेवन सिक्स ईयर्स के बच्चे जो है वो प्री प्राइमरी में गिने जाएंगे तो वो प्री प्राइमरी में गिने जाएंगे इसके ऊपर के जो बच्चे हैं उनको हम प्राइमरी में गिनेंगे तो उनको प्राइमरी में गिनेंगे गवर्नमेंट एक स्ट्रक्चर देगी गवर्नमेंट एक स्टिपुलेटेड प्राइस भी देगी ताकि आप ओवर प्राइस भी चार्ज ना कर पाओ सो इवन आफ्टर बीइंग अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट आपको रेगुलेट करेगी ही करेगी बिकॉज दे वांट वेलफेयर ऑफ पीपल नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट विच इज दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस पोलियो फ्री इंडिया है ना पोलियो से फ्री हो गया इंडिया इट वॉज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द गवर्मेंट इंटरवेंशन इन द पास्ट वेरी लेस पीपल व अवेयर ऑफ पोलियो एंड इट्स वैक्सीनेशन बट ड्यू टू कॉन्स्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट एंड वेरियस एन जी ओज इंडिया वॉज डिक्लेयर अ पोलियो फ्री कंट्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन ट्वेंटी सेवेंथ मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन एट मीन्स क्या बोला जा रहा है बहुत ही कम लोगों को नॉलेज था पोलियो क्या होता है ये बीमारी कैसे जाएगी बट गवर्नमेंट ने कितने सालों तक कॉन्स्टेंट एफर्ट्स दिए तब जाके हमारी कंट्री डिजीज फ्री हो पाई क्या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इतना करता हमारी गव हमारी नेशन के लिए नहीं गवर्नमेंट थी इसीलिए ये सब पॉसिबल हो पाया तो गवर्नमेंट के बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स भी रहे हैं अपनी कंट्री के लिए राइट और गवर्नमेंट ही है जो एक्चुअली में लोगों का सोशल वेलफेयर सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी दिमाग में रख के डिसीजंस लेती है नाउ नेक्स्ट इज़ रेगुलेटरी अथॉरिटी अब गवर्नमेंट ने कुछ अथॉरिटीज़ बनाई हैं जो रेगुलेट करती है किसी किसी सेक्टर को ठीक है हर जगह पर हर सेक्टर में गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ तो होती ही हैं मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन एट यूनियन एंड स्टेट क्या वो नेशनल जो नेशनल लेवल पर फंक्शन करती है सबको एक जैसी एजुकेशन प्रोवाइड हो इसीलिए क्या काम करती है कि ओवरऑल इंडिया सबको एक टाइप की बुक्स मिले सब एक टाइप का ही एजुकेशन रिसीव करें हमारे इंडिया में अगर एक टाइप अगर कोई बुक जा रही है तो वो सबको सेम एजुकेशन देनी चाहिए राइट तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है प्लस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दैट इज यू जी सी यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन एंड ऑल इंडिया तो काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दैट इज ए आई सी तो टी ई रेगुलेट द एजुकेशन सेक्टर थ्री थ्री रेगुलेटरी अथॉरिटीज एनसीआर दैट इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वो याद रखना है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यू जी सी और नेक्स्ट क्या है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दैट इज ए आई सी टी ई ये तीनों कौन से सेक्टर में है एजुकेशन सेक्टर में एन सी आर टी यू जी सी एंड ए आई सी टी ई तीनों याद रहेंगे हमें नेक्स्ट इज इन इन द हेल्थ मिनिस्ट्रीज ऑफ द हेल्थ यूनियन एंड स्टेट लेवल डेवलप डिपार्टमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडिया काउंसिल ऑफ फॉर मेडिकल रिसर्च दैट इज आई सी एम आर रेगुलेट द हेल्थ सेक्टर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे हमारे पास में रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च दैट इज आई सी एम आर एजुकेशन में तीन थे यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में एक है ना नेक्स्ट इज वेरियस रेगुलटरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज वहाँ पर तो आपने एक दो पढ़ ली है बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं एक्चुअली में सेक्टर। सबसे पहला क्या है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीआर क्या करता है वो समझते हैं इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फ्रीडम मिला उसको अपने अपना डिसीजन लेने हैं सेटअप इन 1961 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू असिस्ट एंड एडवाइस द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन दट मींस एन क्या करता है स्कूल एजुकेशन के लिए पॉलिसीज बनाना प्रोग्राम्स लेके आना क्या डेवलपमेंट क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है वो किसको सजेस्ट करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को दिस वॉज द रोल ऑफ नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स Commission (UGC) क्या करता है इट केम into existence on ऑन December 1953. थ्री कब आया था 61 में यूजीसी कब आया उसके भी पहले 53 में एंड बिकेम अ statutory ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इन ऑफ इंडिया बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956. है ना इनका काम क्या है वो तो दिया हुआ नहीं है यहाँ पर नीचे देखते हैं द मेन टास्क ऑफ यू जी सी इज टू कोऑर्डिनेट डिटरमाइन एंड मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन अच्छा ओके okay. तो वहाँ पे क्या देखा हमने एन क्या करता है कि आपको सजेस्ट करता है कि क्या आगे इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए और यहाँ पे क्या ये लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड होना चाहिए मेंटेन होना चाहिए टीचिंग डिपार्टमेंट आपको मेंटेन करना है रिसर्च मेंटेन करना है और ये ऑल ओवर द नेशन सब सेम जाना चाहिए तो वो किसका काम है यू का काम है यू कब आया 1953 एंड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कब कब आया आया 1956 डेट्स थोड़ी बहुत हमें याद रखनी है ना ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दैट इज ए आई सी टी ई वॉट इज देयर रोल इट वॉज सेटअप इन नवम्बर नाइनटीन फोर्टी फाइव ये उसके भी पहले पहले था 1961 में क्या हमने देखा एन फिर तो उसके पहले क्या था हमारे पास में यू जी में 1945 मतलब जब ब्रिटिशर्स थे तब हमारे पास में था ए आई सी टी ई इट इज़ अ नेशनल लेवल एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है ना जैसे हमारे पास में आर है हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट है वैसे ही एजुकेशन सेक्टर में हमारे पास में ए है जो नेशनल लेवल एपेक्स बॉडी है एडवाइजरी बॉडी जो एडवाइस देती है फॉर प्रॉपर प्लानिंग एंड कोआर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम हमारा एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री कैसे चलेगा कैसे हम प्रमोट करेंगे कैसे हम इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे और प्लान्ड क्वान्टिटेटिव ग्रोथ ठीक है कि हम कितना ग्रोथ देख रहे हैं कितने परसेंटेज से हमें ग्रोथ चाहिए कितना हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए जो जो चीज़ें सब रिलेटेड टू एजुकेशन है वो सब इनके अंडर आती है एंड रेगुलेशन प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स

बायो मेडिकल रिसर्च एंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड है ना ये क्या बोला जा रहा है कि हमारे यहाँ पे एन सी आर टी है यू जी सी है ए आई सी टी है प्लस हमारे पास में क्या है आई सी एम आर है इन द मेडिकल रिसर्च फील्ड और ये किस पे फोकस करते हैं बायो मेडिकल रिसर्च इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन राइट रिसर्च बॉडीज है पूरे वर्ल्ड में नेक्स्ट इज आई सी एम आर हैज़ ऑलवेज अटेम्प्टेड टू अड्रेस इट सेल्फ एट टू द ग्रोइंग डेवलप डिमांड्स ऑफ साइंटिफिक एडवांसेस एंड इन बायोमेडिकल रिसर्च एंड टू द नीड ऑफ फाइंडिंग प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री दैट मीन्स कंट्री में अगर हेल्थ प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहला स्टेप ये उठाते हैं ये रिसर्च करते हैं ये सब कुछ देखते हैं कि कैसे करना है एक्चुअली में कैसी प्लानिंग जानी चाहिए आगे राइट सो so, हमारे पास में चार रेगुलेटरी अथॉरिटी थी एन सी आर टी यू जी सी ए आई सी टी एंड आई सी एम आर नाउ लेट इज मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज बेजिक एजुकेशन दैट इज द हेल्थ केयर फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन बेजिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर मैंने आपको बोला कि ह्यूमन डेवलपमेंट में हमने क्या पढ़ा कि आपका बेजिक हेल्थ केयर बेजिक एजुकेशन वो आपका राइट है वो आपका हक है वो होना चाहिए सिर्फ ह्यूमन कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ह्यूमन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जरूरी है. इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड इज़ अनएल टू अफोर्ड बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज अगर इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन पॉवर्टी लाइन के अंडर रहते हैं जो इतना कमाते नहीं है इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए बेसिक चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी है कि आप उनको दे ठीक है आप उनको वो चीज़ें दो मोर ओवर अ सब्सटेंशियल सेक्शन ऑफ अवर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू रीच सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर एंड हायर एजुकेशन पीपल के नॉट अफोर्ड हायर एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल्स दे के नॉट अफोर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनके पास में इतने पैसे नहीं होते हैं तो गवर्नमेंट हैज़ टू लुक आफ्टर देम कि उनकी बेसिक नेसेसिटी फुलफ़िल होनी चाहिए Furthermore, when the basic education and health care is considered a right of the citizen, then it is essential that the government should provide education and health services free of cost for the deserving citizens and those from the socially oppressed classes. That is ST, SC. हम बोलते हैं ना lower classes जो होती हैं, उनको हमेशा special treatment मिलता है, उनको हमेशा free education मिलती है, seats उनके लिए reserved होती है। क्यों होती है? Because they cannot afford, है ना? अगर वो afford नहीं कर सकते, तो government को कुछ steps उनके लिए लेने

द एनालिस ऑफ द हेल्थ सेक्टर इज टेकन अप इन चैप्टर एट दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे हम देखेंगे और ज्यादा कि हम लोग हेल्थ सेक्टर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं नाउ ह्यूर वी आर स्टडीड अबाउट द ग्रेट प्रोस्पेक्टिव ऑफ एच सी एफ नाउ लेट इज मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट वीडियो